अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मांडे का सालन, जिसके लिए हमने जो एक महाराष्ट्र डिश है जिसके लिए हमने आधा किलो मटन लिया है और 250 ग्राम प्याज लेके इसे बारीक स्लाइस में काट लिया है। इस तरह पतले पतले स्लाइस में काट दिया है। और मसाले हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जो हम आधा मटन में गलने में डालेंगे, आधा बघार में डालेंगे। और 100 ग्राम टोटल हमने खट्टा दही लिया है फेंट कर, 100 ग्राम हमें खट्टा दही लगेगा। और बघार के लिए हमने खड़ा मसाला लिया है, जिसके लिए हमने 2-3 तेज़ पत्ते, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 3-4 काली मिर्ची और 2-3 लौंग और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, और ये बड़ी इलायची 2, और ये जो बादिया जिसे कहते चक्री भी कहते फूल चक्री वो हमने पाव टुकड़ा लिया है, और 2 छोटे इलायची जिसे हमने इस तरह से खोल के इसमें बघार में डालना है। ये सब बघार में डालेंगे हम, और आधा प्याली हमें गोश्त में डालने के लिए, मटन में डालने के लिए पानी लगेगा। और मिर्ची सबसे मेन इसमें मिर्ची रहती है। मिर्ची बहनों, अगर ये 3 किस्म की मिर्ची का पेस्ट है, ये हमने रेडीमेड पाउडर मंगाया है मिर्ची का, अगर आपके वहाँ नहीं मिलता तो आप ये चपाटा मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची और अपनी सादी मिर्ची, तीनों मिलाकर पिसी हुई मिर्ची है ये, तो यहाँ पर रेडीमेड मिल जाता है ये। अगर बहनों आपके वहाँ नहीं मिलता ये, तो आप घर में कश्मीरी मिर्ची, चपाटा मिर्ची को पानी में, गर्म पानी में भिगो कर इसका कच्चा पेस्ट बारीक पीस के भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास यह नहीं मिलता तो। ये हमने 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर लिया है ये, और 2 टेबल स्पून भिलाई हुई की चिरुंजी लिया हमने बारीक पीसी हुई, 2 टेबल स्पून है, तो टोटल ये 40 ग्राम है भिलाई हुई की चिरुंजी। और 2 टेबल स्पून धनिया की बुकनी, और गरम मसाले में हमने 3 तेज़ पत्ते, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1/2 टीस्पून जीरा और 2-3 कवाब चीनी जिसे नाके सर भी कहते हैं, और 2 बड़े इलायची और 1 छोटी इलायची और 2-3 दालचीनी के टुकड़े, और आधा ये बादिये का फूल और 2-3 लौंग और 10-12 काली मिर्ची। ये हम भुनकर, जैसे पायो के सालन में हमने भुनकर मसाला डाला था, उसी तरह हम इसे भुनकर इसका बारीक पाउडर बना देंगे। और ये चाय की चिरौंजी, और ये मगजियात है तरबूज खरबूज के बीन, ये दोनों को हम भुनकर इसको भी बारीक पीस लेंगे। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लगेगा, जो हम मटन में भी डालेंगे और फिर बघार में भी डालेंगे। टोटल ये 5 से 6 लोग इसमें खा सकते हैं। तो हम सबसे पहले से बघारेंगे गोश्त को बघारेंगे सबसे पहले। ये हमें टोटल 200 ग्राम तेल लिया हमने, जो इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं सिर्फ गोश्त मटन गलाने के लिए, बाकी का हम बघार में डालेंगे। तो हमें 200 ग्राम तेल लगेगा, क्योंकि इसमें तरी ज़्यादा होती है मांडे के सालन में। अब हम तेल गर्म होने के बाद ये जो खड़ा मसाला रखा था ये सब इसमें डाल देंगे, इसमें खुशबू आने तक इसे भूनेंगे। ये हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसमें हम ये प्याज डालेंगे, ये प्याज रखने का वो डाल देंगे, और इसे हल्का सा भूनना है हमें, लाल या गोल्डन नहीं होने देना, बस हल्का सा मसालों में भून लेंगे। इस तरह भूनने से सालन से टेस्टी बनता है। और अच्छी खुशबू आती है। से 4 मिनट
बस इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे हल्का सा, बस प्याज ट्रांसपेरेंट होने तक। 2 से 3 मिनट से हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम ये मटर डाल देंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि बाद में हम सालन में भी डालने वाले हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो रखा था हम इसमें से आधा डाल रहे हैं। और बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला हमने। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके ये जो पानी रखा था हमने ये 1 कप तो वो डाल देंगे हम इसमें। और इसे 30 से 35 मिनट तक इसे गलने देंगे, 5-6 सीटी होने तक। ये आपके मटन पे डिपेंड है, अगर मटन अच्छा सॉफ्ट है तो जल्दी गल जाएगा, उसके हिसाब से आप गलाएं। हम इसे 3 से 4 सीटी होने तक गलने देंगे। बस अब हम कुकर लगा देंगे। चाय की चिरौंजी और जो तरबूज के बीन थे उनको, और गरम मसाला जो हमने रखा था, खड़ा मसाला जो गरम मसाला, तेज़पत्ता, शाहजीरा, इलायची, वो सब, इन सबको भून लिया हमने एक तवे पे। अब इन सबको एक जार में हम एक साथ पीस लेंगे। सबसे पहले हम भगोने में ये तेल जो रखा था वो डाल देंगे। सबसे पहले हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है जो हमने रखा था आधा, तो अदरक लहसुन डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर एक के बाद एक इसमें हम मसाले डालते जाएंगे। अदरक लहसुन को अच्छे खुशबू आने तक भूनेंगे हम। फिर इसके बाद इसमें हम ये हल्दी पाउडर डाल देंगे। पहले हम मिर्ची डालेंगे, फिर अच्छे से इसे भूनेंगे। फिर उसके बाद हम ये धनिया पाउडर जो रखा था वो डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, उससे खुशबू आने तक इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ये दही जो रखा था हमने इसे अच्छे से फेंट दिया था वो डाल देंगे। तेल आने तक इसे अच्छा भूनेंगे। फिर उसके बाद हम फिर इसमें एक के बाद एक मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें मटन डालेंगे। सबसे पहले मसाले डालने से पहले मटन डालेंगे हम इसमें। पूरा मटन इसमें डाल देंगे। ये प्याज अच्छे गलने तक इसे भूनेंगे। हमने मटन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाया है क्योंकि अभी
मसालों में भी हमारा मटन गलेगा। तो टोटल हमने आधा घंटा 20 मिनट फुल आँच पे रहने दिया, फिर 10 मिनट हमने धीमी आँच पे पकने दिया। टोटल हमने 6-7 सीटें होने दी। आप आपके हिसाब से जैसा चाहे वैसे गला सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट बिना गलाए भी इसे बना सकते हैं, कच्चे गोश्त के भी बहुत अच्छे होते हैं, कच्चा मटन लेकर भी बना सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसके बाद फिर इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा स्लो आँच पे से हम पकने देंगे, ढक्कन ढक के 3-4 मिनट। ये 3-4 मिनट से हमारा ये मटन कड़ी पक रही है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये जो चाय की चिरौंजी, तरबूज, तरबूज के बीज और गरम मसाला है जो पिसा था हमने, वो इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद हम भिलाई की चिरौंजी भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें भिलाई की चिरौंजी, ये भिलाई की चिरौंजी जो हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। फिर इसे ढककर दम पे 6-7 मिनट पकने देंगे। फिर हमारा मांडे सालन तैयार है। इसे हम धीमी आंच पे कम से पकने देंगे, 5-6 मिनट इसे गैस पे धीमी आंच पे पकने देंगे तेल आने तक। फिर इसके बाद हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए, ये हमारे मांडे का सालन तैयार है जो हम रेडीमेड मांडों के साथ खाएंगे।